कर्मों का ये दोष नहीं, दोष है ये नसीब का। तुम क्या जानो दौलत वालों, कैसे पलता है बच्चा गरीब का। अभावों में गुजरता है बचपन, सुख सुविधा का कोई सामान नहीं। फुटपाथों पे कटती है रातें निकी, गरीबों का कोई मकान नहीं। तन पे फटे चिथड़े कपड़े, तपती गर्मी में भी नंगे पांव चलता है। ऐ एयर कंडीशन वालों, तपती धूप में भी गरीब पूरा दिन जलता है। गरीबी के अंधेरे में ही पूरा बचपन कट जाता है। खिलौनों से ही नहीं, खुशी तब मिलती है जब रोटी मिल जाता है। भारत में गरीब होना किसी श्राप से कम नहीं। एक झोपड़ी में रहने वाला इंसान शांत खड़ा रहे, लेकिन आम जनता उसे बिना किसी कारण दोषी ठहराने लग जाती है। आम देश के मुकाबले अगर भारत की बात करें तो ज़्यादातर आपको गरीब यहीं दिखाई देंगे, क्योंकि इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। इन सबसे हटके देखा जाए तो गरीब होना कोई गुनाह तो नहीं है, फिर क्यों अक्सर लोग झोपड़ी बस्ती में रहने वाले लोगों को एक अलग नज़रिए से देखते हैं और उनको नज़रअंदाज करते हैं। क्या गरीब बस्ती में रहने वालों की हैसियत नहीं होती है? क्या उन्हें जीने का हक नहीं? क्या गरीब का बच्चा एक अच्छे स्कूल में जाकर पढ़ नहीं सकता है? आप इसका जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अक्सर मिडिल क्लास के लोग 5-10 रुपये को खर्च करने से पहले ज़्यादा सोचते नहीं हैं, लेकिन एक गरीब घर का व्यक्ति उसको खर्चा करने से पहले ये सोचता है कि अगर उसने उन रुपयों को खर्च कर दिया तो क्या आगे उनके पास उतना पैसा भी आ पाएगा। बस्तियों में रहने वाले लोग ये सोच कर घर से निकलते हैं कि अगर उन्होंने आज कुछ नहीं कमाया तो रात में खाना क्या खाएंगे। दिन में उन्होंने 4 पैसा नहीं कमाया तो रात में उनके बच्चे भूखे सो जाएंगे। इसलिए वो रोज घर से अपने घर वालों का पेट पालने के लिए निकलते हैं। बस्तियों के लोगों को बहुत सी दिक्कतें होती हैं, जैसे पानी की समस्या, खाने की समस्या, बिजली ना आने की समस्या और बहुत सी समस्याएं हैं जिनका वो रोजाना सामना करते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि उनको पानी पीने को भी नसीब नहीं होता है, तब वो इतने मजबूर हो जाते हैं कि प्यास के मारे वो सभी गंदी नालियों का पानी पीने लगते हैं, जिससे वो बीमार, बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं। बीमार पड़ने पर उनको एक अच्छा हॉस्पिटल भी नसीब नहीं होता, वो तो बस सरकारी अस्पताल में अपना इलाज करवाने के लिए जाते हैं। इतना ही नहीं, वहाँ पर भी उनकी जान भी बच पाए इसकी कोई गारंटी नहीं। क्या गरीबों की जान की कोई कीमत नहीं? उन पर बस ये कहकर चिल्लाया जाता है तुमको कुछ नहीं आता। गरीब बस्ती के बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ने का सपना देखते हैं, लेकिन उनको ऐसा नसीब ना के बराबर होता है। प्राइवेट स्कूलों की फीस इतनी होती है कि गरीब अपनी जान भी गिरवी रख दे तो वो अपने बच्चे का दाखिला वहाँ नहीं करा सकता। खाने की कमी के चलते छोटे बच्चे मजदूरी करने को मजबूर हो जाते हैं। उनको छोटी सी उम्र में किताबें पढ़नी चाहिए, लेकिन उनको छोटी सी उम्र में ये समझ में आ जाता है कि अगर वो कमाएंगे नहीं तो क्या खाएंगे। जब एक छोटा बच्चा भीख मांगने के लिए बाहर रोड पर घूमता है तो लोग दिन देखकर उसे भीख देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर वाले दिन ही उनसे वो भारत देश का झंडा खरीद कर उनको पैसा देते हैं, वरना अगले दिन फिर वो सभी उनको नज़रअंदाज करते हैं। आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और सरकार से हम यही निवेदन करना चाहते हैं इन पर ये खास करके ध्यान दें। आजकल लोग ऊपरी दिखावा बहुत करते हैं। अगर कोई गरीब भूखा आपको दिखे तो उसे खाना ज़रूर खिलाएं, उसका हाल ज़रूर पूछें। धन्यवाद।